में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि बैठक में आगामी कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की गई। संगठन लगातार अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में। उन्होंने कहा है कि जो लोग बीजेपी को पिछड़ा वर्ग विरोधी बताते हैं वो खुद पिछड़ा वर्ग विरोधी है। उनकी प्राथमिकता में उनका परिवार है। निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर सपा के लोग न्यायालय में गए। बीजेपी सभी वर्गों को साथ में लेकर चल रही है। कांग्रेस की भूमिका उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाप्त हो गई है। देखो, जिन लोगों ने इस विषय को स्थापित करने की कोशिश की वो स्वयं पिछड़ा वर्ग विरोधी हैं और उनकी प्राथमिकता में उनका परिवार, उनका घर है। पिछड़े वर्ग से उनका कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक चुनाव में ये विषय आगे बढ़ा है तो माननीय न्यायालय में जो लोग गए वो समाजवादी पार्टी के लोग थे। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय न्यायालय के आदेश आने के बाद भी हम लोगों ने बिल्कुल स्थापित व्यवस्था के तहत संविधान में जो प्रदत्त आरक्षण है उस आरक्षण की व्यवस्था के साथ ही चुनाव में जाएंगे।